हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एजिंग और आउटस्टैंडिंग अमाउंट और रिमेनिंग डेज के बारे में बताऊंगा कि हम लोग हमारा जो क्रेडिट पीरियड जो हम लोग कस्टमर्स को देते हैं इनवॉइसिंग के ऊपर, तो उसके ऊपर जो हमारा क्रेडिट पीरियड जो होता है उसमें हमारा आउटस्टैंडिंग जो है वो ड्यू है, ओवर ड्यू हो गया है या ड्यू नहीं हुआ है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ इस तरह की जो शीट्स हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ डिफाइन की हुई हैं। पहला शीट, ये वाला जो शीट है 30 डेज का, जिसमें मैंने यहाँ इनवॉइसिंग डेट यहाँ मेंशन की है और 30 डेज उसके बाद उसका 30 डेज पीरियड कितना होता है और सभी जो फॉर्मूलाज मैंने यहाँ लगाए हुए हैं सेम एज इट इज। जो फॉर्मूला है वो 45 डेज का मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। इनवॉइसिंग डेट सेम इनवॉइसिंग डेट पे मैंने यहाँ डिफाइन किया 45 डेज का। तो चलिए चलते हैं कि मैं आपको ये एक फॉर्मूला जो है एक नेक्स्ट शीट में आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यही फॉर्मूला सेम फॉर्मूला मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, बट मैंने अभी सारे जो फॉर्मूलाज हैं मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिए हैं ताकि आपको मैं वन ऑन वन मैं यहाँ क्लियर कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं क्रेडिट पीरियड अगर 30 डेज का लेता हूँ तो यहाँ हमारा इनवॉइसिंग डेट है। इनवॉइसिंग डेट से हमारा 30 डेज पीरियड का अगर हम लोग अपने कस्टमर को क्रेडिट देते हैं तो वो 30 डेज के बाद का डेट क्या होता है। तो 30 डेज का डेट निकालने के लिए हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इनवॉइसिंग इक्वल का निशान लगाएंगे इनवॉइस डेट प्लस 30 डेज। यहाँ हम लोग 30 डेज क्लियर कर देंगे। ये मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ लगाया हुआ था, तो अभी मैं यहाँ पर सभी फॉर्मूलाज को डिलीट कर देता हूँ और इधर भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ 30 डेज के बाद का मेरा जो डेट है वो 15th of December 22, यहाँ हमारा 30 डेज का पीरियड आ गया क्रेडिट पीरियड। जितने भी मैं फॉर्मूला अपडेट करूंगा वो डेज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली हमारे डेज बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा डे एक डे क्लोज होता है तो नेक्स्ट डे का डेट्स अपने आप ऑटोमेटिकली डेट के हिसाब से वो इंक्रीज होता रहेगा पीरियड। तो ये मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, उसके बाद मेरा ये सारा जो डेट है 30 डेज का जो पीरियड है जो हम क्रेडिट देते हैं कस्टमर्स को, तो वो यहाँ पर आ जाता है। अब मुझे ये लगाना है कि मेरा 30 डेज का पीरियड जो है वो ओवर हो गया है, अमाउंट हमारा ड्यू है या नॉट ड्यू, आउटस्टैंडिंग ड्यू है या नहीं है, उसके बारे में कैसे पता लगेंगे। सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला लगाना है कि हमारा डेज जो है वो माइनस में है कि 30 डेज से नीचे है, 30 डेज से ऊपर है। मैं यहाँ फॉर्मूला यूज करता हूँ, इफ अगर मेरा ये इज ब्लैंक, अगर मेरा जो C3 सेल है ब्लैंक है देन वो ब्लैंक ही रहे, अदरवाइज जो हमारा आज का डेट है टुडे माइनस कर दें वो C3 से। तो इसको मैं यहां ब्रैकेट क्लोज करता हूं और ये मेरा एंटर कर देता हूं, तो इट मींस कि मेरा 8 जो दिन है अभी 30 डेज में मेरा जो पीरियड है वो अभी बाकी है। मैं यहाँ से इसको बॉटम राइट से मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे यहाँ पर सारे डेज आ जाते हैं। तो यहाँ से मुझे पता लगेगा कि मेरे डेज जो है वो अभी रिमेनिंग है या मेरे आउटस्टैंडिंग अमाउंट के जो डेज हैं क्रेडिट पीरियड जो है वो ओवर हो गया है। तो हम लोग उसके साथ कैसा फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मैं नेक्स्ट कॉलम में आ जाता हूँ, डेज 30। इट मीन्स यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला लगाना है कि अगर मेरा जो C3 है यहाँ पर अगर 30 डेज से ऊपर है तो आउटस्टैंडिंग ओवर ड्यू आ जाए, अगर 30 डेज से हमारा नीचे है तो वो नॉट ड्यू आ जाए। अब मुझे यहाँ पर 30 डेज का जो फॉर्मूला मुझे यहाँ पर यूज करना है वो क्या होगा, जिससे कि मेरा जो अमाउंट है वो आउटस्टैंडिंग शो करे, जो मेरा डेज 30 डेज से नीचे है वो नॉट ड्यू शो करे। तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला फिर से मैं इफ फॉर्मूला यूज करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं इस ब्लैंक भी यहाँ पर यूज करूंगा ताकि मुझे यहाँ पर इस ब्लैंक तो ब्लैंक रहे। अगर टूडे, देखिए टुडे आज का दिन अगर ग्रेटर देन सी से है तो आप ओवर ड्यू अमाउंट शो करें, अदरवाइज नॉट ड्यू यहां शो करें। यहां डबल क्लिक करता हूं तो ये मेरा यहां पर नॉट ड्यू और ओवर ड्यू आ गया। नॉट ड्यू वहां पर आएगा जहां पर मेरा 30 डेज से नीचे के डेज अभी पेंडिंग है। तो मैं इसके साथ साथ मैं अभी कंडीशन फॉर्मेटिंग भी आपको साथ साथ कर देता हूं। यहां कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूं, सिलेक्ट ऑल करके टेक्स्ट दैट कंटेन्स overdue amount light red, अगर मैं यहाँ पर चेंज करना है कस्टम में चले जाऊंगा, पहले फॉन्ट में क्लिक करूंगा यहाँ पर व्हाइट कलर और फिल में जाऊंगा यहाँ ये कलर में डिफाइन, आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, ओके कर दीजिए तो ये मेरा यहाँ पर फॉर्मेट यहाँ चेंज हो जाएगा। आप नॉट ड्यू में भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम है वो डेज पास्ट और रिमेनिंग, मीन्स मेरे कितने दिन हमारे पास्ट हैं और कितने दिन हमारे रिमेनिंग है। दैट मीन्स कि इसमें जो मुझे कॉलम में यहाँ शो करना है कि मेरे यहाँ पर इतने दिन तो पास्ट हो गए, इतने दिन मेरे यहाँ पर पेंडिंग है, 30 डेज से नीचे है तो रिमेनिंग आ जाए, 30 डेज से ऊपर है तो वो डेज के साथ जो टोटल डेज प्लस डेज पास्ट उसके साथ लिखा आना चाहिए। तो इसके लिए भी मैं इफ फॉर्मूला यूज करूंगा, थोड़ा सा मैं कॉलम को तो यहां पर इफ इज ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक है
दो ब्लैंक. इफ टुडे हमारा माइनस 3 है, लेस देन 1 है, देन माइनस के लिए मुझे एब्सोल्यूट माइनस के लिए हमें टुडे माइनस जितना भी माइनस आता है उसके लिए मैं एंड यूज करूंगा. यहां डेज रिमेनिंग यहां हम लोग करेंगे देन. अगर टुडे माइनस C3 आता है तो डे पास्ट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कंकैटेनेट एंड लगाएंगे, देन कॉमा इनवर्टेड कॉमा इज बिगिन, देन डेज पास्ट कॉमा क्लोज्ड ब्रैकेट क्लोज. तो यहां मेरा 8 डे रिमेनिंग्स यहां मेरा आ जाएगा. दैट मींस कि यहां मेरा जो डेज यहां मेंशन हुआ था वो यहां पर 8 दिन जो मेरे अभी ओवरड्यू पेंडिंग है, मींस कि 30 डेज का क्रेडिट पीरियड के लिए मेरा 8 दिन अभी पेंडिंग है. और मैं यहां पर बॉटम में प्लस के निशान को डबल क्लिक करूंगा तो मेरे यहां पर जो ओवरड्यू जहां पर होते हैं तो वो पास्ट आ जाएंगे, बाकी जो मेरे 30 डेज से नीचे है वहां पर रिमेनिंग आ जाएंगे. तो अगर मुझे यहां पर फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाना है तो सिलेक्ट करूंगा और टेक्स्ट दैट कंटेन्स डेज रिमेनिंग्स हैं तो यहां मेरा जो है कलर जो है वो ग्रीन हो जाए, फॉन्ट कलर मेरा सेम रहे लेकिन बोल्ड हो जाए और फिल मेरा ग्रीन हो जाए, तो ये मेरा यहाँ पर ओके हो जाता है. बाकी अगर दिन मुझे यहाँ पर कलर करने हैं तो आप ये भी कर सकते हैं. तो ये था मेरा 30 डेज जो क्रेडिट पीरियड है हमारा, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूले सभी कॉलम्स में यहाँ पर मेंशन किए हैं. देखिए अगर मैं यहाँ पर सारे एरिया को डिलीट कर देता हूं तो मेरा यहाँ पर जो दूसरे कॉलम मैंने इस ब्लैंक यूज किया था तो वो यहाँ पर ब्लैंक हो जाते हैं. ये ब्लैंक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें डी यहाँ पर ये ब्लैंक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर मैंने D3 यूज किया है जो कि यहाँ पर C3 यहाँ पर आना चाहिए था. ओके करता हूं तो ये यहाँ पर भी C3 हमारा यूज हो गया है. अगर मैं यहाँ पर 30 डेज लेके आना है तो यहाँ प्लस 30 डेज, तो ये मेरा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर हो जाएगा. मैं यहाँ से फिर से डबल क्लिक करता हूं तो मेरे सारे फॉर्मूले जो है यहाँ पर साथ के साथ जो है शो करेंगे. सेम एज इट इज अगर मुझे यहाँ पर क्रेडिट पीरियड 45 डेज का लेना है तो हम लोग 45 डेज में भी सेम फॉर्मूले यहाँ यूज कर सकते हैं. और आपकी कंपनी का जो भी क्रेडिट पीरियड का जो भी पॉलिसी है एज पर योर कंपनी, आप उतने दिन का कैपिंग यहाँ लगा सकते हैं, उतने दिन के कैपिंग लगाकर आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं. तो मैंने 30 डेज के फॉर्मूले में मैंने आपको फॉर्मूले कैसे लगाने हैं, इस ब्लैंक कैसे यूज करना है, डेज रिमेनिंग डेज पास जो है वो कैसे यहाँ पर हमारे डेज के पीछे लेके आने हैं तो वो मैंने 30 डेज में क्लियर कर दिया. 45 डेज में कैसे करने हैं, मैंने सेम इनवॉइस डेट के अंदर ही मैं 45 डेज का फॉर्मूला यूज करूंगा. वही इनवॉइस डेट प्लस आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग जितना भी आपका कैपिंग लगा है आप उतने दिन यहाँ डिफाइन कर सकते हैं. मैंने 45 लिया, 30 डेज का मैंने पहले ही बताया था, 45 डेज यहाँ करता हूँ. तो यहाँ पर मैं यहाँ पर नीचे ड्रैग कर देता हूँ तो ये मेरा सारे डेट्स आ जाएगा. इफ अगर मेरा ये इस ब्लैंक H3 मेरा ब्लैंक है देन ब्लैंक रहे, अदरवाइज टुडे माइनस मेरा ये आ जाए. ओके तो ये माइनस में आएगा, ताकि माइनस में इसलिए क्योंकि ये 45 डेज से नीचे है. मैं सारे यहाँ ट्रैक कर देता हूँ. मैंने यहाँ माइनस में इसलिए लेके आऊँ ताकि आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मेरा दिन जो क्रेडिट पीरियड के अकॉर्डिंग मेरा ड्यू है या ओवरड्यू है या ओवरड्यू नहीं है. तो 45 डेज में मैंने यहाँ लेके आया हूँ. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 45 डेज में अगर मेरा 45 ये मेरा ओवरड्यू आता है तो यहाँ पर ओवरड्यू लिखा है, अगर नहीं आता है तो वो नॉट ड्यू लिखा है. तो यहाँ पर मैं इफ फॉर्मूला यूज करता हूँ, इस ब्लैंक और H3 करता हूँ तो देन ब्लैंक रहे, अदरवाइज इफ मेरा ये सॉरी टुडे माइनस H3 है तो यहाँ पर कोमा ओवरड्यू कोमा ओपन देन ओवरड्यू आ जाए, अदरवाइज नॉट ड्यू आ जाए. तो ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पर मैंने कंप्लीट किया है, ओवरड्यू और नॉट ड्यू. देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में यहाँ इश्यू इसलिए है क्योंकि
अगर मेरा आज का दिन देखिए यहाँ पर B3 यहाँ डिफाइन किया है, यहाँ पर मेरा H3 आना है तभी यहाँ पर नॉट ड्यू आएगा। देखिए तो सेम एज इट इज मुझे यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में लगा देता हूँ साथ के साथ। तो ये मेरा यहाँ नॉट ड्यू रॉबर्ट ड्यू मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है और मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग भी लगा दी है। आपने अकॉर्डिंग कंडीशन फॉर्मेटिंग मैंने 30 डेज और 45 डेज में कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ मैंने फिर वही फॉर्मूला 45 डेज के अकॉर्डिंग डेज पास एंड डेज रिमेनिंग यहाँ लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले इज ब्लैंक मैं फिर से यूज करता हूँ। अगर मेरा डेज ब्लैंक है तो ब्लैंक है, अदरवाइज इफ अगर मेरा आज का दिन अगर मेरा आज का दिन माइनस थर्टी डेज लेस देन सॉरी ग्रेटर देन वन है देन एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू टुडे माइनस देन सॉरी कंकैटेनेट डे रिमेनिंग क्लोज्ड टुडे फिर से मैं टुडे माइनस आता है तो वही मुझे यहां पर डेज पास्ट तो ये मेरा फॉर्मूला यहां 23 डेज यहां माइनस में है। क्यों माइनस में है? यहां माइनस में मेरा जो 23 डेज है और बीच में गैप भी नहीं है तो इसको ठीक करने के लिए आइए देखते हैं। यहां मेरा ब्लैंक है अगर आज का दिन माइनस H3 आज का दिन माइनस H3 यानी मेरा माइनस में है तो ग्रेटर देन वन है ग्रेटर देन ओहो यहाँ पर हमारा ग्रेटर देन नहीं आना है यहाँ पर हमारा लेस देन आना है। लेस देन वन है क्योंकि माइनस माइनस में है और उसको एक से नीचे है तो वो पहले तो उस माइनस को यहाँ पर प्लस में करें और बाकी जो दिन को कैलकुलेट कर दें। कैलकुलेट करने के बाद उसके पीछे जो है यहाँ मैं डेज जो है हमारे यहाँ पर मैं स्पेस कर देता हूँ और यहाँ भी मैं स्पेस कर देता हूँ ताकि हमारा जो फॉर्मूला है वो आगे हमारा 30-20 डेज यहाँ रिमेनिंग आ जाता है। अगर मैं इसको यहाँ से नीचे ड्रैग कर देता हूँ तो ये मेरा यहाँ पर सारे जो अमाउंट्स हैं वो यहाँ क्लियर आ जाएंगे। अगर यहाँ पर मैं कंटेन्स डेज पास्ट तो ये मेरा जो फॉर्मूला है वो 45 डेज का भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था 30 डेज का और 45 डेज का मैंने ये जो इनवॉइस मैंने यहाँ शो किया उसके अकॉर्डिंग मैंने 30 डेज और 45 डेज का फॉर्मूला आपको यहाँ पर बताया है। आई होप कि मेरा ये जो फॉर्मूला है मेरा ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा तो काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिए ताकि मेरे जो वीडियो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहे। तो थैंक यू सो मच गाइज़।